क्योंकि जिस बात को लेकर लड़ाई शुरू हुई थी, जिस चीज़ को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था, और जिस एक मुद्दे, बड़े मुद्दे पर सरकार अटकी हुई थी कि कुछ भी हो जाए हम इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे, उल्टे सीधे बयान भी आए, सब कुछ करा इन्होंने जो कर सकते थे, गुंडे भी भेज दिए, विधायक भी भेज दिए। अगर उसको किसान जीत कर जा रहा है तो निश्चित तौर पर जीत हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सरकार ने ना MSP दी और बॉर्डर भी खाली करवा दिया। MSP, देखिए MSP आया था सेकेंडरी पॉइंट, आंदोलन जो शुरू हुआ था वो तीन काले कानून से हुआ था, MSP की बात बाद में आई थी, उसको ऐड करा गया था। तो MSP की बात है, जहाँ तक अभी भी उसकी गारंटी की बात आई तो सरकार ने कहा है, आश्वासन दिया है, लिखित में नहीं दिया, बात आपकी सही है, जहाँ पर आप आएंगे मैं पहले बता देता हूँ, लिखित में नहीं दिया, आश्वासन दिया है, लेकिन लिखित में जो तीन काल कानून बनाए थे वो वापस हो गए हैं, जिसको लेकर लड़ाई, बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था, वो जंग जीत चुके हैं। अब MSP की बात है तो उसमें ये कहा जा चुका है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है, अगर सरकार फिर से दोगुना रवैया अपनाती है फिर से आंदोलन शुरू हो जाएगा। लेकिन टिकैत साहब बार बार कह रहे हैं कि पंचों का कहना, मतलब पंचों का जो भी निर्णय होगा वो मान्य होगा, क्या टिकैत साहब नहीं चाहते थे कि ऐसे आंदोलन खत्म? नहीं, टिकैत साहब का पंचों का मानने से मतलब ये है कि अगर अब कानून वापस हो गए हैं तो जो पंचों की मानी जाएगी वो MSP वाली बात पर आ गई ना, ये बात तो मनवा ली हमने अपनी कि भाई हमारे तीन काले कानून वापस हो गए। बॉर्डर खाली करने का फैसला तो पंचों ने लिया ना, जो बातचीत चर्चाएं हुई है पंचों से, मतलब अपने किसानों से तो ना भाई। देखो गजेंद्र भाई, पंच का मतलब अगर राकेश टिकैत जी कहते भाई जो फैसला मैं लूंगा वो माना जाएगा, पंचों की नहीं मानी जाएगी, तो उसमें वो मोदी वाली फीलिंग आ जाती है, जैसे जो मोदी मैं कह दूं वही होगा। यहाँ क्या है, यहाँ सब एक पूरा देश जुटा हुआ था तीनों बॉर्डर पर, और देश के जो किसान चुने गए उनको पंच बनाया गया, उन पंचों का फैसला जो था वो सर्वसम्मति थी, तो टिकैत साहब ने भी वही कहा। अगर टिकैत साहब ये कहते जो मैं कहूँगा वो होगा तो फिर मोदी मोड में फर्क क्या रह जाता भाई, फिर तो मोदी वाली हो गई। पंजाब किसान नेताओं के दबाव में रहे क्या यूपी के नेता? नहीं, दबाव में कोई नहीं था, ये दरअसल एक मिली हुई कमेटी थी, हरियाणा के किसान भी थे, पंजाब के भी थे, यूपी के भी थे, अलग स्टेट्स के भी थे, उन सबको मिलाकर एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के अनुसार निर्णय हो रहा था। अब कौन किसके दबाव में, सब बेकार की बात है, दबाव में कोई किसी के नहीं था भाई, एक मिलजुल कर काम चल रहा था, और कोई भी अगर किसी दबाव में काम कर रहा होता तो शायद ऐसा परिणाम नहीं आता। SKM चलेगा आगे या फिर खत्म हो जाएगा? देखिए ऐसा है, ये डिपेंड करता है सरकार पर। अब अगर सरकार सीधे सलामती से तौर तरीके से लोकतंत्र के हिसाब से काम करती है तो क्या जरूरत पड़ी है, लेकिन अगर सरकार टेढ़े काम करते हैं, वही पुराने वाले रवैये पर आते हैं, निश्चित तौर पर आंदोलन हो सकता है, इससे भी बड़ा हो जाए, दोबारा वापस आ संयुक्त मोर्चा रहेगा या फिर? बिल्कुल रहेगा, संयुक्त मोर्चा रहेगा, क्योंकि भटकने कोई आसार नहीं है। एक संयुक्त मोर्चा इस आंदोलन के लिए तैयार हुआ था, अब वो अपने अपने काम पर फिर लग जाएंगे, खेतों से आए थे लोग, खेतों में वापस चले जाएंगे, कोई पॉलिटिकल एक इवेंट तो था नहीं, पॉलिटिकल होता या कोई राजनीतिक और इसमें पहलू जुड़ा होता तो शायद भटक जाते, अपने लोग एक मकसद के लाए, उस मकसद को हासिल किया, अपने काम पर चले गए। जो एक छोटा सा पॉइंट अभी बचा हुआ है और बहुत बड़ा पॉइंट अपने आप में MSP, उस पर अगर सरकार आना काना करती है तो वापस किसानों के मुद्दे की लड़ाई है भाई, अपने वापस खेत से उठेंगे फिर यहाँ खड़े हो जाएंगे। इस फैसले से BJP कोई फायदा होगा क्या? BJP को फायदा होगा जो सरकार में बैठे हैं ना, तो बाद में सरकार गिर जाएगी, तो ये तो परेशान थे, इनसे संभल तो रहा नहीं था देश, ये अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान थे, दुखी थे, जैसे हमारे ढोंगी साहब हैं, ये बड़े दुखी थे भाई साहब, सत्ता तो दे दी इन्होंने लोगों ने बेवकूफ़ बनकर, लेकिन सत्ता संभल ही नहीं थी, आज ये हो गया कल वो हो गया परसों ये हो गया, तो इन्हें मुक्ति मिल जाएगी। सर आस्था बचा रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप कह रहे हैं कुछ नहीं कर रहे, विकास मॉडल दे रहे हैं बनारस वाला, देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया उन्होंने, बिल्कुल जिस गंगा में नहा रहे थे ना महाराज, टेम्परेचर था देखिए, गंगा जी में लगा रहे हैं डुबकी मोदी जी, जिस गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं मोदी जी, उसी गंगा में लाशें भी तैर रही थी, और जब लाशें तैर रही थी जब ये बेशरम कहाँ थे, आया किसी का बयान इनका निकल कर, आज 10 डिग्री में डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन जब 49 डिग्री में सड़क पर लोग पैदल चल चल कर मर गए तब इनका एक का किसका बयान आया, तब ये डूब कर मरने वाली बात तो तब थी, जिस गंगा में आज डुबकी लगा रहे हैं, डूब जाना चाहिए था इनको, डुबकी नहीं लगानी चाहिए था, डूब जाना चाहिए था, क्योंकि उसमें जब लाशें तैर रही थी ना तो इनकी किसी सरकार को दिखाई नहीं दे रहा था, उसके बावजूद बेशर्मी इन्होंने ये करी कि हमारे पास मरने वालों के आंकड़े नहीं है। कह रहे कांग्रेस सपा बसपा सरकार में नहीं बनाए कॉरिडोर, हम बनवा रहे हैं देखो। हाँ तो कांग्रेस बसपा सपा में कोई लाशें भी नहीं तैरी गंगा में, सड़क पर लोग भी नहीं मरे, ऐसे आंदोलन भी नहीं हुए, किसानों पर गोलियां, इस तरह के जो कहते हैं सारे हथकंडे भी नहीं अपनाए गए, क्या हुआ? लेकिन जब भैया गलत करोगे, अच्छा ये बताइए मुझे, ये कह रहे कॉरिडोर किसान ने, कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने नहीं बनवाया, हमने बनवा दिया, कांग्रेस ने इतनी महंगाई करी, कांग्रेस ने मजदूरों को सड़क पर मारा, कांग्रेस ने तेल के इतने दाम करे, कांग्रेस ने कोई काले कानून किसानों की मर्जी के या देश की मर्जी के खिलाफ बनाए, कोई भी कांग्रेस ने ऐसा कानून बनाया जो बिना विपक्ष को बैठाए बिना चर्चा करे बन गया हो, कोई भी ऐसा कानून फेल करा तो बिना चर्चा के खत्म कर दिया गया हो,
कैसी सरकार है? सरकार के नाम पर तो कलंक है, टीवी में विज्ञापन के जरिए आ चुके हैं, ये गलती से ले आई थी हमारी जनता बेवकूफ बनकर कि भैया हाँ अच्छे दिन बढ़िया दिन और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आज पता लग रही है, उसी का तो परिणाम है ये जो आंदोलन हुआ। और आस्था में भैया कहते हैं कि जो काशी है ना वो मुक्ति का द्वार है, ये नहा लिए ना मुक्ति मिलेगी, सत्ता से मुक्ति पक्की मिलेगी, सवार ने ये निश्चिंत होकर बैठ जाए। तो जो आप कह रहे थे भाजपा को क्या फायदा होगा, तो ना मुक्ति मिलने वाली है, इससे बड़ा फायदा क्या चाहिए? मुक्ति पाने के लिए इंसान हिमालय पर जाता है, कहाँ का धक्के खाता है, इन्हें मुक्ति मिलने वाली है, तो बहुत फायदा हो रहा है भाई बीजेपी को तो इस बार। लेकिन धर्म की घुट्टी बड़ी मीठी होती है। हाँ ये बात आपकी सच है, धर्म की घुट्टी बहुत मीठी होती है, तो भाई दो बार पिला तो चुके, अब वो घुट्टी कड़वी लगने लग गई। लेकिन जो मोदी जी लाल टोपी बोल रहे हैं, हरी टोपी बोल देते हैं, तो धर्म की तो वो खेती कर रहे हैं ना। देखिए जो सरकार जिसका आधार ही धार्मिक प्रोपेगेंडा हो, जिसका आधार ही दंगे हो, जिनका आधार ही सैनिकों की शहादतों पर राजनीति करना हो, उनसे आप एक कोई भी पब्लिक के मुद्दे की बात कर ही नहीं। दंगे तो सपा सरकार में होते हैं ना, आप बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हैं सब। भाई जब दंगा ही बचे होंगे, बाहर तो दंगे तो होंगे ही, अब दंगा ही सत्ता में बैठ गए तो दंगे कहाँ से होंगे? सपा सरकार, इनके बसपा सरकार, कांग्रेस सरकार, इन सब में दंगे इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि दंगा करने वाला विपक्ष में होता है। आज दंगा करने वाले सत्ता में बैठे हैं, अभी आपको हाल फिलहाल तो आपके हाथ में रहता है ना, आप संभाल लिए उसको, तो संभलता है ना, जेल में संभलता, जेल में जाते हैं वो सारे दंगाई। अभी मैं आपको मामला बता दूं, एक जो किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई, इनके मंत्री का बयान आया था कि अगर मेरा बेटा वहां पर पाया जाता तो इस्तीफा दे दूंगा, अब पाया गया, एसआईटी बैठा के तब पाया गया ना, लेकिन क्या है इस्तीफा नहीं देंगे। स्मृति ईरानी भी इस्तीफे के लिए कह चुके कई बार चिल्ला चिल्ला कर, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इसके अलावा भी ये हमारा जो हाथरस में इतना भयंकर कांड हुआ था बेटे के साथ में, तब योगी जी ने क्या कसर छोड़ दी थी? तो भैया जो मुद्दे हैं ना, इनके पास वो नहीं है ना, उन पर बात करते हैं ना, महंगाई मुद्दा है, ना शिक्षा है, ना रोजगार है, ना चिकित्सा है। अब तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं हिंदू हूँ मैं, तो राहुल गांधी तो हिंदू हैं ही भाई। राहुल गांधी है ना, राहुल खान थोड़ी है यार, क्यों कहना पड़ रहा राहुल गांधी? कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि सामने विपक्ष है ना, वो भस्म रमा के बैठा है हिंदुत्व की, और राहुल गांधी ने कह दिया वो हिंदू है, हिंदुत्ववादी नहीं है, क्लियर करा है उस इंसान ने, और समझाया भी है कि गांधी तो हिंदू थे लेकिन गोडसे हिंदुत्ववादी थे, दोनों में बहुत फर्क है साहब। क्या जनता भी यही चाहती है कि हिंदू मुस्लिम होता रहे, हिंदुत्व की बात? जनता भाई विकास चाहती है, क्यों कर रहे हैं नेता? जनता रोजगार चाहती है। देखिए पहले उन्होंने गारंटी दी है, अगर आप राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी की पहले प्रतिज्ञा रैली हुई है जिनमें प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञाओं को दिखाया है, रोजगार की बात हुई है उसमें, चिकित्सा की बात हुई है, बेरोजगारों के लिए पेंशन की बात हुई है, शिक्षा की बात हुई है, उन प्रतिज्ञाओं को आप पढ़िए, उनमें सब कुछ दिया। आप लोग राजस्थान में क्यों पूरी है आपने राजस्थान में वादे किए थे आप लोग राजस्थान? देखिए राजस्थान में शिक्षा की बात कर लीजिए आप, शिक्षा बढ़िया है वहाँ के, स्कूलों की हालत देख लीजिए, यूपी से बहुत अच्छी। अपराध को भूल गए आप, लेकिन राजस्थान में रेगुलर थोड़ी है, वन बाय वन चलते ना सरकार, तो ये हमारी आते तो हम सुधार देते हैं, जब दूसरों का तो बिगाड़ देते हैं। सरकार में भी अपराध है जी, अपराध देखिए, अपराधी की मानसिकता और खासकर दलितों पे, अपराधी की मानसिकता और सरकार दोनों बिल्कुल अलग चीज है। अगर मेरे मुझे अपराध करना है तो सरकार मेरे हाथ नहीं बांधे रखेगी, तो लेकिन अपराधी पर जमीन हड़पोगे क्या? अपराध होने पर उन्हें सजा ना मिल रही हो तो सरकार दोष है, सरकार का दोष है। मध्य प्रदेश में 3 साल के दौरान 20,869 दलित दुल्हनों को घोड़े से उतार दिया, कितनी बार गई है वहाँ पे प्रियंका गांधी? ठीक है वहाँ पर सरकार अभी कांग्रेस की है, क्यों नहीं जाती वहाँ पे? मैं बता देता हूँ ना सर, जितनों को घोड़े से उतारा गया, जितनों ने कुकर्म केस दर्ज है, हाँ मैं बताता हूँ ना सर, उन पर कार्रवाई ना हुई हो तो वहाँ प्रियंका गांधी का जाना भी जाए जाए। सर मैं बता तो रहा हूँ आपको पूरी बात, या तो मैं भी बता दूँ, आपने क्वेश्चन करा मैं जवाब दे दूँ ना, अगर वहाँ पर इस तरह की वारदात हो रही है, उन पर कार्रवाई ना हो रही हो तो प्रियंका गांधी का जाना वहाँ जायज है, वहाँ फिर हम जाते भी जाकर। हाँ जी रुक क्यों नहीं रहे आखिर? अपराध मानसिकता, मैंने बताया ना मानसिकता, जो मानसिकता है जो जातिवाद वाली मानसिकता है, सबसे पहले लोगों को भाई खुद यूपी में करवा देना, मायावती का प्रशासन आने दो, करवा देना यूपी में अपराध। भाई तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, अब मायावती का प्रशासन नहीं है क्या? मायावती का प्रशासन में क्या अत्याचार नहीं हुए दलितों पर? कहाँ अत्याचार हुए बताए, कितना रेशियो अत्याचार? रेशियो की बात मत करिए, अत्याचार हुए या नहीं हुए? हुए गजेंद्र जी, लेकिन अत्याचारों पर मायावती जी ने एक्शन लिया, एक दंगा करवा दीजिए उसके शासन में, तो राजस्थान में भी दंगा नहीं हो रहा, दंगा तो हो ही नहीं रहा। दंगे मैं कह रहा हूँ जो अपराध कर रहा है, मेन चीज ये है अगर अपराधी को सजा मिल रही है तो सरकार ठीक है, लेकिन अगर सरकार अपराधी के पक्ष में जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगा रही है तो सरकार गलत है। ये काम उत्तर प्रदेश की सरकार करती है। आपको पहले लगाम लगने चाहिए इन चीजों? नहीं, लगाम बिल्कुल लगनी चाहिए, और लगाम लगने का तरीका क्या है? कानूनी तरीका ही होता है। कोई भी सरकार के बाशिंदे जाकर गोलियां नहीं चला सकते कि भाई अपराधी को मार देंगे,
एक तरह का कानून प्रक्रिया ही होता है।